आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल को Google Ads की मदद से किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया Google Ads से जो हम वीडियो प्रमोट करते हैं उसका बहुत टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है, ऐसे में हम कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं गूगल एड्स से। बट दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसा दिमाग लगाया जा सकता है जिससे कि आप गूगल एड्स से अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करके मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी और क्या क्या करना पड़ेगा। सो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। एक बात तो दोस्तों सही है कि गूगल एड्स से जो हमें व्यूज मिलते हैं उससे जो वॉच टाइम मिलता है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। और गूगल एड्स का काम बस इतना होता है कि आपकी जो वीडियो है उसको सही ऑडियंस तक पहुँचाना, फिर उसके बाद ऑडियंस उसको देखती है ना, देखने के बाद सब्सक्राइब करती है कि नहीं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे गूगल एड्स से कोई लेना देना नहीं होता है ना। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी, है ना, और कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि अगर आपको गूगल एड्स से अपने चैनल को मोनेटाइज करना है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में आवाज़ तक नहीं देते हैं, भैया आवाज़ तो लगाओ अपनी वीडियो में कम से कम, एडिटिंग तो थोड़ी अच्छी करो, कुछ अच्छा कंटेंट तो बनाओ, एक निच पर आपका कंटेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट यही है, कंटेंट अच्छा करो। सेकंड चीज़ क्या है, वो ये है कि सही ऑडियंस तक वीडियो पहुंचाओ। गूगल एड्स से अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो सही ऑडियंस को टारगेट करें, ऐसा कभी ना करें कि आपका टैग वीडियो है और आप गेमिंग वाली ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रहे हो, सही टारगेटिंग करो। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है कि भैया देखो, गूगल एड्स से जो हमें व्यूज मिलेंगे उसका बहुत टाइम काउंट होगा नहीं, तो फिर कैसे बहुत टाइम काउंट होगा मोनेटाइजेशन के लिए। उसका तरीका ये है दोस्तों, आप ना एक निच पर चैनल बनाओ जो जैसा कि मैंने बताया आपको, और आप एक पूरी कोई सीरीज स्टार्ट करो, सीरीज जिसमें कि बंदा एक वीडियो अगर देखने आए तो दूसरा वीडियो ना देखे जब तक, तब तक तो उसका काम ना बने, जब तक तीसरा वीडियो ना देखे तब तक तो पूरा काम ही ना हो। एक सीरीज स्टार्ट करो और उस सीरीज की जो पहली वीडियो है वो आप गूगल एड्स से प्रमोट करो। ठीक है, गूगल एड्स से प्रमोट करो, जब बंदा वो पहला वीडियो देखेगा एड के द्वारा, ठीक है, तो उसका काम तो बनेगा नहीं, एक से उसको दूसरा वीडियो भी देखना पड़ेगा, है ना, तो वो दूसरा भी देखेगा, दूसरे से तीसरा देखना पड़ेगा, तीसरे से चौथा देखना पड़ेगा। तो एक वीडियो पर एड लगाया आपने, उस पर ऑडियंस आई, वो दूसरी वीडियो पर जब जाएगी ना वही ऑडियंस, तो उसका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। तीसरी वीडियो पर जाएगी उसका भी मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम काउंट होगा। आपको एक सीरीज स्टार्ट करनी है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरी एक मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा गूगल एड्स की। मैंने पहला वीडियो बनाया दोस्तों गूगल एड्स के बारे में, आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे आपको वीडियो प्रमोट करनी है, कैसे आपको अकाउंट बनाना है, हर एक चीज़। तो उस वीडियो को मैंने गूगल एड्स से प्रमोट कर दिया, पूरी सीरीज मैंने बनाई। पहला वीडियो उसका इंट्रोडक्शन बनाया, सेकंड मैंने बनाया गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाए, थर्ड वीडियो बनाया गूगल एड्स में पेमेंट कैसे ऐड करें, फोर्थ वीडियो बनाया गूगल एड्स से वीडियो प्रमोट कैसे करें। टोटल मान लो 5 वीडियो होंगी मेरी, एक वीडियो मैंने गूगल एड्स से प्रमोट करी, ठीक है, जैसे गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाए, ऑडियंस ने देखी गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाए, यार ऐड अकाउंट तो बना लिया, उसमें पैसे भी तो ऐड करने पड़ेंगे, तो पैसे ऐड कैसे करते हैं, मैंने कहा कि बोल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, वो वीडियो भी जाके देखो। तो एक वीडियो ऐड लगाया, उससे दूसरी वीडियो पे ऑडियंस जाएगी, पेमेंट ऐड करना सीख गई, थर्ड पे जाएगी प्रमोट कैसे करते वो भी तो सीखना पड़ेगा, उस पे जाएगी, तो जो और वीडियो पे ऑडियंस आएगी ना उसका वॉच टाइम काउंट होगा मेरे भाई, वॉच टाइम काउंट होगा। 5 वीडियो है ये मेरी, एक वीडियो, ये वीडियो आदमी देखेगा ना तो ये जरूर देखना पड़ेगा, वरना उसका काम नहीं बनेगा, ये देख लिया तो ये देखना पड़ेगा, एक पूरा फनल टाइप का बन गया। ये वीडियो मैंने प्रमोट करी, यहाँ से जो ऑडियंस मेरे को मिली उसका वॉच टाइम काउंट नहीं हुआ, बस यहाँ से जो इस वीडियो पे जाएगी ऑडियंस उसका वॉच टाइम मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगी उसका वॉच टाइम काउंट होगा, यहाँ से यहाँ जाएगी उसका वॉच टाइम काउंट होगा। अब यहाँ से यहाँ जाएगी क्यों, ऑडियंस जाएगी क्यों, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा दिमाग लगाया, मैंने कहा गूगल एड्स अकाउंट मैंने बनाना सिखा दिया इस वीडियो में, लेकिन पेमेंट ऐड नहीं करोगे तब तक ऐड नहीं चलेगा, तो वो वीडियो जरूर जाके देखो, तो ऑडियंस को देखनी पड़ेगी। जब पेमेंट ऐड कर लिया तो मैंने कहा कि भैया एड्स वीडियो प्रमोट कैसे करते हैं ऐड से, वो वीडियो जरूर देखो, तब तक तो काम ही नहीं बनेगा, उसके बाद CPV कम कैसे करें वो वीडियो भी जरूर देखो, वरना काम ही नहीं बनेगा। एक वीडियो से ऑडियंस मेरी 3-4 वीडियो और देखी, उसका बहुत टाइम काउंट होगा। आप भी अपनी कैटेगरी, अपने निच रिलेटेड कोई एक सीरीज स्टार्ट करो, उसका कोई एक वीडियो गूगल एड्स से प्रमोट करो और दूसरी वीडियो पे भी ट्रैफिक लो, उसका बहुत टाइम 100% काउंट होगा। बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लोगों ने पैसे लगा लगा के इस तरीके से बहुत सारे चैनल मोनेटाइज किए 10-10, 15-15 दिन में भी, है ना। बाकी देखो यार, गूगल एड्स से अगर आपको वीडियो प्रमोट करना है अपना, हमेशा ध्यान रखना 10-20-50-100-500 इतना बेनिफिट इससे नहीं होता है, यहाँ पे लोग लाख रुपए तक लगा देते हैं,
कम से कम 500 रुपए से नीचे तो ऐड लगाओ ही मत गूगल एड्स, है ना। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर भाई 28 रुपए का ऐड लगा दो, भैया 20 रुपए का ऐड लगा दो, यार कुछ फायदा नहीं होगा 20, 30 और 100 रुपए के ऐड से। कम से कम 500 का लगाओ, बाकी कितने का भी लगा सकते हो भाई। देखो मैं तो 10-10, 20-20 हज़ार तक के भी बहुत सारे लोगों के लगाए हैं, है ना। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई कि कैसे गूगल एड्स से चैनल प्रमोट करें जिससे कि वो मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।